अगले कॉलर हैं हमारे साथ ज्योति जी, मुंबई से स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, हाँ ज्योति जी बात कर रही हैं, दीपा जी? हाँ वो बात कराइए। चलिए आप बात कर लीजिए। बात हो रही है, बताइए। मैम प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए प्लीज। माँ मेरी मेरे समस्या ये है, दो मेरा वजन, हाँ ज्योति जी ठीक है। बम्बई से, मेरा मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या है मेरा 100 में 5 किलो वजन कम है, कब्ज ज्यादा रहती है, कब्ज ज्यादा रहती है और फिर वजन बहुत ज्यादा, सब काम होता नहीं है इसकी। उम्र बता दीजिए। उम्र है 53 वर्ष ठीक है। और मेरे आदमी की तकलीफ है, 56 वर्ष 7 वर्ष का है मेरे आदमी के, सिर में आवाज आती है, कान में कुकुर की सी चिट्ठी आती है, ठीक है। इसका इलाज बताइए। नुस्खा तो मैं बहुत करती हूँ, इसे मेरे को जैतून नमक नहीं मिला है, धनिया पाउडर या ये सब मैं 5-6 चीज मिला के पाउडर के, आपसे मेरे को फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। मेरे को कुछ इलाज ऐसा बताओ कि मेरे कब्ज नहीं रहे और मेरा आदमी का भी कुकर की आवाज आती है ना, ये ठीक हो जाए। ठीक है माथे में बहुत आवाज आती है मगर। जी। और देखिए, फायदा कैसे होगा, आप अधूरा नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा नुस्खा इस्तेमाल करिए। अगर कोई दवा आपको नहीं मिल पा रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकते हैं। अगर आपको कोई दवा नहीं मिल रही तो हमारे हेल्पलाइन नंबर से भी मंगा सकते हैं। तो नुस्खा पूरा लीजिए, वही सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपने सब बना लिया, लेकिन गौंद, नमक जैतून नहीं लिया। नमक जैतून आप हमसे तलब कर सकते हैं, तब आपका नुस्खा पूरा होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। और लगातार इस्तेमाल करिए 3-4 महीने, तो वज़न और कब्ज़ भी ठीक होना मुमकिन है। आपके हस्बैंड को ऐसे सीधा बैठें और ये जितना कर सकते हैं करें रोज़ाना, और 10 दिन तक करें। देखिए ये एक्सरसाइज, ये और एक ये, ऐसे ऐसे पूरा पूरा मोड़िए इसे पूरा। देखिए ये यहाँ तक आ जानी चाहिए ठोड़ी, ये यहाँ तक आ जाती है ठोड़ी। 10 दिन तक लगातार करें। और गौंद स्याह आधा आधा ग्राम 2 बार पानी या दूध से खाने के बाद उन्हें खिलाइए, गौंद स्याह या काला गौंद। लेकिन जो भी दवाई मैं बताता हूँ वो पूरी लें और असली लें, नकली भी लेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। एमपी से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। राधा स्वामी मैडम, राधा स्वामी भाई साहब, बहुत दिनों के बाद हमको लाइव कार्यक्रम देखने को मिल रहा है, बहुत तरस गए थे ये देखने को जय हिंद, बहुत स्वागत है इंतजार आपका। रहता है, बहुत इंतजार रहता है हमको देखने के लिए लाइव की, कब आएंगे भाई साहब कि हम देखें। जी और हमारे ना 3 सवाल है मैम, और जी आप लिख लीजिए। एक तो है मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं काफी समय के बाद, जैसे मैं गोल मोरिंगा बहुत यूज कर चुकी हूँ तो उससे मेरे बाल इतने अच्छे हो गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छे, जी लेकिन अब कुछ समय से बंद की हूँ तो शायद मौसम की वजह से या किसी वजह से ना झड़ रहे हैं बहुत, तो भाई साहब से पूछना है क्या तिल खा सकते हैं क्या? पहले तिल वाला बताते थे कि तिल खाना है, अलसी खाना है, तो उसके साथ में वो भी खा सकती हूँ और कैसे लूँ वो, तो ये मुझे जानकारी पता करनी है भाई साहब से। और दूसरा सवाल है, मेरी बहू ना प्रेग्नेंट होती है जैसे, तो उनका ना 2 बार अबॉर्शन हो गया है, तो सर ने जो गड़बड़ी डॉक्टर्स ने बताई है तो वो सब पूरा कर रहे हैं, बहुत इलाज लेने के बावजूद भी, इंजेक्शने ग्लूकोज दवाइयाँ लेने के बाद भी फिर वही स्थिति बन जाती है कि बच्चा रुकता नहीं है, तो भाई साहब से पूछना है कि क्या करना। एक बार पहले मैं पूछी थी तो 3-4 महीने पहले तो बोल रहे थे कि
गोंद मोरिंगा और इसबगोल की भूसी लेना है, तो वो मतलब स्टार्ट की है तो कितने दिन और चलाएं कि यही लेना है कि और उसके साथ और कुछ लेना है? और ना इसको अभी अभी ना हल्की सी थायराइड की गोली चालू की है मैंने, कि हल्की फर्स्ट स्टेज पे है वो, तो वो चालू की है, तो उसके साथ मतलब क्या करें जब कि वो भी खत्म हो जाए और उसका बच्चा रुके, प्लीज ये हमको जरूर बताइएगा। ठीक है मैम। देखिए थायराइड शुरू हो गया है तो गौन मोरिंगा भी उनके लिए ज़रूरी है, तो यूं करें कि धनिया आंवला और मेथी और गौन मोरिंगा, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और गौन मोरिंगा 100 ग्राम, इनका पाउडर बना लें और एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से दिया करें, तो इनका थायराइड कंट्रोल करते हुए ये बच्चे की रोकथाम में आपकी बहू की मदद करेगा। और आपका दूसरा सवाल कि तिल इस्तेमाल कर सकते हैं, अलसी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हाँ बालों के लिए ये तिल और अलसी अच्छी चीज़ है और गौन मोरिंगा भी अच्छी चीज़ है, और नारियल पानी के साथ लिया करें तो ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है जी। और क्या सवाल था? बस दो ही सवाल थे हकीम साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेक्स्ट कॉलर है रायपुर से त्रिशा, स्वागत है आपका। नमस्कार सर जी। मैडम मेरे दो सवाल हैं। पूछिए। हाँ सर, एक मेरा बेटा है 30 साल का, उसको ना डैंड्रफ हो गया था पहले, तो उसको ना डैंड्रफ हो गया था तो फिर ना माथे पर, मतलब डैंड्रफ सर पर हो गया तो माथे पर वाइट वाइट दाग हो गए हैं। हाँ ठीक है। 4 साल से है मैडम, तो अभी वाइट दाग वो जा नहीं रहे, और भी थोड़े और दाग बढ़ते ही जा रहे हैं नीचे की ओर। आपको ऐसा लगता है कि डैंड्रफ की वजह से हुआ है या डॉक्टर ने ऐसा बोला है? सर डॉक्टर ने बोला है। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है मेरा, मतलब कि दूसरा बेटा है 8 साल का, तो उसको ना डॉक्टर बता रहे हैं थायराइड बॉर्डर लाइन पर है, तो उसके लिए क्या करें? 8 साल का बच्चा जी। ठीक है मैम, ठीक है जी। देखिए ये जो बच्चे के डैंड्रफ है, ये डैंड्रफ जैसा लगता है लेकिन डैंड्रफ नहीं है, ये स्किन रोग है, स्किन रोग है जिसे सोराइसिस कहा जा सकता है, और इसकी रोकथाम के लिए नमक जैतून, असली नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर, असली नमक जैतून 2 चुटकी पानी में मिलाकर रोज़ाना 2 बार अपने 30 साल बेटे को आप इस्तेमाल कराइए 2-2 चुटकी नमक जैतून। और 8 साल बेटे जी जी थायराइड बॉर्डर लाइन पे। हाँ, तो जिस बच्चे को थायराइड है उसको धनिया 300 ग्राम, धनिया 300 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और मेथी 100 ग्राम इस रेशो से पाउडर बना के रख लें, और सुबह को 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, और इस नमक जैतून के पानी से ये जो 3 चीज़ों का पाउडर मैंने बताया सुबह को खिला दिया करें, आपका बच्चे की तंदुरुस्ती मुमकिन है जी। जल्दी से बात कर लेते हैं, हरमिंदर जी से पंजाब से बात कर रही हैं वो हमारे साथ, स्वागत है आपका।
हाँ जी नमस्कार मैडम जी। नमस्कार मैम। मैम मेरे मदर की एज 89 है। ठीक है। उनको ना पेशाब का प्रॉब्लम है। हमने डॉक्टर को दिखाया, वो बोलते हैं इसका जो ब्लैडर है ना वो श्रिंक हो गया है। पेशाब उसमें टिकता नहीं है, वो ऐसे शिकायत करती है। हम उसको वो व्हील चेयर पे है लेके जाते हैं, 2 मिनट बाद आके फिर वो फिर शिकायत करती है। मैंने बात समझाना है, मेरे को पेशाब है, ये प्रॉब्लम है, इसका कोई हकीम जी को पूछ सकते हो? ठीक है मैम जी। देखिए ये उम्र जिनके माँ बाप की हो बड़े खुश नसीब है कि उनके मम्मी जिंदा हैं या बाप जिंदा हैं, जिनके भी इतनी उम्र को पहुँचे वो लोग बड़े खुश नसीब हैं। और इस उम्र में ये समस्याएं होना मुमकिन है, इसकी थोड़ी सी रोकथाम कर सकते हैं। नुस्खा गौर से सुने, गलती ना करें। अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम और लाजवंती 100 ग्राम, इनका एक पाउडर बना लें और तकरीबन आधा चम्मच इन्हें खिलाएं और गौंद चिलगोजा के साथ, गौंद चिलगोजा अलग से खरीदें, असली खरीदें और अलग से खरीदें, उसका पाउडर अलग बना के रखें, इन 3 चीज़ों का पाउडर अलग रखें। जब ये आधा चम्मच 3 चीज़ों का पाउडर खिलाएं तो एक चुटकी, छोटी सी चुटकी इसमें आधा चम्मच में मिलाकर इन्हें रोज़ घी में मिलाकर, शहद में मिलाकर खाना खाने के बाद रोज़ एक खुराक दे दिया करें, उनके रोग की रोकथाम थोड़ी हो सकती है। प्रभा जी से बात कर लेते हैं, स्वागत है आपका। प्रभा जी हेलो, प्रभा जी आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। मैम कॉल ट्राई कर लीजिएगा दोबारा से, अगर कॉल नहीं लग पाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं, जहाँ पे आप 24 आवर्स कभी भी हमारे जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो हकीम साहब की निगरानी में ही काम करते हैं और आपको नुस्खे वही बताए जाते हैं जो वो पहले हकीम साहब से सलाह मशवरा करते हैं, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकती हैं। लेकिन फिर से जुड़ गई हैं प्रभा जी हमारे साथ, स्वागत है आपका मैम। हाँ मैंने ना हमारे से दिल्ली से गोंद मंगाया था। ठीक है। काला गोंद मंगाया था, मेरे घुटने में बहुत दर्द था। ठीक है। तो दर्द जा नहीं रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है। कब से खा रही है? पीछे की नस रहती ना, घुटने के पीछे की नस रहती ना, वो बहुत तकलीफ दे रही, मुझ चल नहीं सक रही मैं। अच्छा खा कब से रही है? मैं अभी 2 महीने से खा रही हूँ। कितना ले रही है? और एक चुटकी दूध के साथ ले रही हूँ मैं सुबह शाम। हाँ एक ही टाइम ले रही मैं। चलिए ठीक है जी हकीम साहब। देखिए आप बच्चे वाली खुराक ले रही हैं, 2-2 चुटकी लीजिए और सुबह शाम लीजिए, 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम। अगर आप आज से लेना शुरू करें तो 10 दिन में आपको फ़ायदा नज़र आना मुमकिन है। आप एक बच्चे की खुराक ले रहे हैं, बड़े की खुराक लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। हाँ देखिए शिलाजीत हो या कोई भी दवा हो, सबसे पहले तो वो असली होनी चाहिए। बिल्कुल। अब शिलाजीत के नाम पर भी जाने क्या क्या बेच रहे हैं, जला हुआ गुड़ बेच रहे हैं। जी जी जी। गुड़ को जला कर और वो शिलाजीत जैसा हो जाता है तो उसको बेच रहे हैं। शिलाजीत भी असली होनी चाहिए, ये एक ताकतवर चीज़ है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है और बॉडी बनना अलग बात है, यानी मोटा ताज़ा होना अलग बात है। और हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक शक्ति होना ये बिल्कुल अलग बात है, बीमारियों से लड़ने की ताकत, इसे इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं। अगर ये है तो
बीमारियों से दरअसल यही लड़ती है, आपकी इम्यूनिटी ही बीमारियों से लड़ती है। दवा इसको सहारा देती है या ये दवा का सहारा बन जाती है, और इम्यूनिटी सब में पूरी होनी लाजिम है, नहीं तो बीमारियों से वास्ता हमेशा हमेशा रहता है। हकीम साहब, आप अपना वक्त हमें इतना कीमती देते हैं, लेकिन मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अनुरोध करूंगी कि ऐसे ही वक्त आप अपना हमें देते रहिए, और अपना आज का भी वक्त हमें देने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत, आपके चैनल वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही, और मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।